हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 मार्च 2020। तो 4 मार्च 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है, हाल ही में नोकिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नोकिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है मोहित सूरी, सत्या नडेला, प्रियंका शर्मा, पेक्का लुंडमार्क। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पेक्का लुंडमार्क। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फिच रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? 5.9%, 4.9%, 6.9%, 4.5%। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, 4.9%। तीसरा प्रश्न है, अजलान शाह कप 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए, इंडोनेशिया, बी, मलेशिया, सी, सिंगापुर और डी, भारत। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पेंशन अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है ए, जम्मू, बी, भोपाल, सी, नई दिल्ली, डी, चेन्नई। तो जो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, जम्मू। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में दुति चंद ने कौन सा पदक जीता है? इसका ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7वां प्रश्न, हाल ही में ACREX इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए, लखनऊ, बी, ग्रेटर नोएडा, सी, वाराणसी और डी, गाजियाबाद। जो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल नेटवर्क साइट ने मोर टुगेदर अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए, फेसबुक, बी, व्हाट्सएप, सी, इंस्टाग्राम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, फेसबुक। 9वां प्रश्न है, हाल ही में बलबीर सिंह भुल्लर का निधन हो गया वे कौन थे? ऑप्शन ए है क्रिकेट खिलाड़ी, बी, हॉकी खिलाड़ी, सी, फुटबॉल खिलाड़ी, डी, टेनिस खिलाड़ी। तो ये हॉकी प्लेयर थे, कौन? बलबीर सिंह भुल्लर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में ADB ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन USD की मंजूरी दी है? ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और USD है US डॉलर। इसका ऑप्शन है 4, 5, 8, 6। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन है 4 मिलियन डॉलर। कितने रुपए की घोषणा की है? 4 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।